तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कनाडा में पांच बेहतरीन बिजनेस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बताने वाला हूं कनाडा में सबसे बेहतरीन पांच बिजनेसेस। यदि आप कोई भी स्टार्ट करते हो कार इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये आइडिया मुझे कैसे आया वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे खुद एक्सपेरिमेंट किया एक, और उस एक्सपेरिमेंट से मुझे आइडिया मिला कि यदि हम लोग कोई भी बिजनेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं या फिर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं वो बहुत ही ज्यादा चलता है और बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करता है। तो रीजन बिहाइंड इज इन करंट सिचुएशन इन कैनेडा और थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ COVID-19, जिससे कि बहुत सारे बिजनेसेस हार्म हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हो गया है। और मैंने उससे नोट किया कि आप यदि कोई भी बिजनेस रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री करते हो, चाहे कोई भी पेंडेमिक हो, कोई भी सिचुएशन हो, लोग खाना नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली यदि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, आपको कार की सबसे ज़्यादा नीड रहती है, तो कार इज़ अ मस्ट, इट्स अ मैंडेटरी थिंग इन अवर डेली लाइफ। तो दैट्स द रीज़न इट कम टू माई माइंड कि हम कोई भी बिजनेस यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड करते हैं या फिर फूड से रिलेटेड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो हुआ क्या कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में मैंने ऐसा किया कि आप लोग को जैसे पता होगा कि इंडिया में एक OLX एप्लीकेशन है, सिमिलरली कनाडा के अंदर एक KijiJi एप्लीकेशन बहुत ही फेमस है, जो कि एप्लीकेशन मोस्टली यूज होती है कोई भी आप पुराना स्टफ खरीदते हो या फिर कोई नई चीज खरीद रहे हो या कोई आपको सर्विस के लिए ढूंढ रहे हो, लाइक कोई प्लम्बर की जरूरत है या आपको कोई पेंटर की जरूरत है, आप लोग KijiJi एप्लीकेशन पर जा सकते हो और देख सकते हो कि किसी ने अपनी ऐसी पोस्ट डाली है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ये वाली एप्लीकेशंस यूज करते हैं कनाडा में। KijiJi इज वेरी फेमस एप्लीकेशन टू फाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सिमिलरली आजकल बहुत फेमस हो रखा है फेसबुक मार्केट प्लेस पर भी लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पुरानी चीजें सेल आउट करते हैं और नई चीजें भी सेल आउट करते हैं और अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हुआ क्या कि मैंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरे फ्रेंड की कार थी जिसको जो वो एक मैकेनिक ढूंढ रहा था कुछ रिपेरेशन कराने के लिए, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने उनसे कोटेशंस ली, एस्टीमेट्स लिए कुछ चीज़ें पूछने के लिए, जिस एस्टीमेट से हमें आइडिया लगा कि इन इन स्मॉल वर्क्स के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहे हैं रिपेरेशन के। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ऐसे कौन से पांच बिजनेस हैं, यदि आप लोग ट्राई करते हो सिमिलरली तो आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर। और ऐसे कौन से पांच बिजनेस हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पांचवें नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है कार मैकेनिक। जी हाँ, कार मैकेनिक सबसे ज्यादा फेमस है, सबको पता है, आप लोग भी अवेयर हो कि यदि आपको कार से रिलेटेड, आप कार के जनरल मैकेनिक के लिए आपको काम आता है, जनरल इंस्पेक्शन कर सकते हो कार की या फिर आप उसकी सर्विस कर सकते हो, जस्ट चेंजिंग द ऑयल और चेंजिंग द टायर समथिंग लाइक दैट, यदि आपको ऐसा कोई भी चीज़ें आपको स्किल आती हैं तो उसका काम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा उसके आर्स हैं। नॉर्मली इफ़ यू विल गो आउट फॉर स्मॉल वर्क, यदि आप कोई स्पेशलाइज कार्स के अंदर आप डील करते हो, कोई लाइक BMW, मर्सिडीज या फिर कोई ऐसी कोई भी कार्स हैं जो एक्सपेंसिव कार्स हैं, उसके लिए मैकेनिक $65 पर आवर भी चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा भी। तो ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स कार के अंदर यदि आप डील करोगे तो आप लोग $100-$150 पर आवर भी लोग चार्ज करते हैं। तो मैं आपको, यदि आप कार मैकेनिक का काम आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैंने इसको फिफ्थ नंबर पर रखा है। बट जो आगे के जो मैं आपको और बताने वाला हूँ वो बहुत ही ईजी भी हैं और बहुत अच्छे बिजनेसेस आइडियाज भी हैं, क्योंकि कार मैकेनिक के लिए आपको स्किल परफेक्टली आना चाहिए, आपको मैकेनिक का काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आपको उसके लिए स्किल आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। यदि आप लोग को कुछ भी कार मैकेनिक का काम नहीं आता तो आप लोग इंडिया में सीख भी सकते हो। अभी आपके पास, यदि आप लोग इंडिया में हो तो आप लोग कोई भी मैकेनिक के पास जाके कहीं पे आप काम ये वाला सीख सकते हो या ITI कुछ कोर्स कर सकते हो जिससे आपको ये काम आ जाए। और इसका कनाडा में बहुत ही ज़्यादा बिजनेस है।
तो फोर्थ नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है टायर चेंज का। जी हाँ दोस्तों, जो टायर चेंज का आइडिया है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है। यदि आप नॉर्मली यूट्यूब पे जाके यदि आप सर्च करोगे डू इट योर सेल्फ वीडियोज़ के टायर कैसे चेंज करे जाएँ कार के, तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि टायर चेंज करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे लोग करते गए कि आपको मैं पोस्ट दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग टायर चेंज करने के मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल सर्विसेज में क्या होता है, वो लोग मोबाइल सर्विसेज के अंदर आपके घर आएंगे, कस्टमर्स के घर जाएंगे और उनके व्हील उनके कार के व्हील्स चेंज करेंगे। तो होता क्या है कि बहुत क्योंकि एवरी इन सीजन लाइक देर आर टू सीजन टू चेंज द टायर्स इन कैनेडा, एक समर टाइम पे और एक विंटर टाइम पे। तो कनाडा में ये मस्ट है कि आप लोगों के विंटर टाइम पे विंटर टायर्स कार में चेंज होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्नो रहती है और क्या नाम है डेड आइस बन जाती है, ब्लैक आइस बन जाती है, जिसपे आपके नॉर्मल टायर्स काम नहीं करते और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स द रीजन द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द रूल ऑन एवरीबडी टू हैव द विंटर टायर्स ऑन देयर व्हीकल। तो उनको विंटर टायर्स मस्ट होते हैं। यदि आप समर में समर टायर नहीं भी लगाएं, विंटर टायर्स यूज़ करें, इट्स स्टिल ओके, बट ये आपके माइलेज पे फर्क देती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड आपका मतलब बेटर नहीं रहता, आपको चेंज टायर्स कराने चाहिए। सो दैट्स द रीज़न कि सारे लोग अपने समर में अपने समर टायर्स चेंज कराते हैं और विंटर में अपने विंटर टायर्स लगवाते हैं। सो ये सीजनल वर्क है, बट बहुत ही अच्छा वर्क है, क्योंकि एवरी लाइक 4-5 months के बाद ये आपको चेंज कराने के लिए लोग मिलेंगे, आपके पास बिजनेस बहुत आएगा। और लेट्स से कि आप लोग मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हो, कि आप लोग उनके पास जाके आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाके $50 पर आवर चार्ज करते हैं जैसा टायर चेंज करने के, वो भी जिनके टायर्स ऑलरेडी रिम पे हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक टायर नॉर्मली होता है, बट यदि वो आपने सेपरेट अलग से टायर के रिम खरीदे हुए हैं और उसमें आपने पहले से फिक्स करा रखे हैं टायर अपने समर टायर और विंटर टायर सेपरेट, तो क्या होगा आपके पास 4 pair ऑफ टायर्स विंटर अलग हैं समर अलग हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि आपको सिर्फ नट खोलने हैं और वो टायर को फिक्स करना और नट को वापस बोल्ट आउट करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कोई टायर तो लगाना ही नहीं है, राइट? यू जस्ट नीड टू गो चेंज रिमूव द नट्स बोल्ट्स एंड यू जस्ट रिमूव द टायर एंड देन यू हैव टू प्लेस इट अगेन विद द न्यू टायर और आपको वापस से नट बोल्ट टाइट करना है। तो ये इस चीज के मोस्टली लोग यदि आप लोग पर्सनली खुद मैकेनिक के पास जाते हो, तो जो यहाँ पे जनरल मैकेनिक जो नॉर्मल मैकेनिक आउटसाइड हैं जो बहुत ब्रांडेड नहीं है, वो लोग भी $30 to $40 पर आवर चार्ज करते हैं इस जॉब के लिए। और यदि आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना डिस्टेंस दूर है, लोग उसके लिए सेपरेट मनी भी चार्ज करते हैं कि इतने डिस्टेंस तक आने के लिए हम ये एक्स्ट्रा मनी चार्ज करेंगे प्लस द सर्विस लाइक $40, $50 पर आवर दे चार्ज। और लेट्स से कि आपका टायर रिम पे नहीं है, टायर आपका रिम से हटाना है आपके, जैसे लेट्स से कि आपको समर टायर चलवाने हैं, अब तो आपके पास रिम एक ही है और आपने पहले आपको वो वाला विंटर टायर उसमें से उतरवाना है और फिर आपको समर टायर उसी रिम पे चढ़ाना है, तो उसके लिए लोग $70 to $80 पर आवर भी चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक एक सिर्फ स्मॉल सी जॉब है और इसके अंदर भी आपको पर आवर इतना रेट मिल रहा है। तो लेट्स से कि आपको दिन में यदि 4 काम भी ऐसे मिल गए, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन मेक। तो ये सीजनल वर्क है, बट इट्स वेरी गुड। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ तीसरा बिजनेस आइडिया रिलेटेड टू कार इंडस्ट्रीज, इज दैट कार डिटेलिंग और कार क्लीनिंग। ये भी बहुत ही ज्यादा बिजनेस आइडिया, बहुत ही अच्छा है और इसमें भी आपको कोई बहुत पर्टिकुलर स्किल सेट की जरूरत नहीं है। लाइक कार मैकेनिक की तरह आपको इसके अंदर भी ऐसा एज सच आपको मैकेनिकली नॉलेज इतनी जरूरत नहीं है। इवन इफ यू विल वॉच द सिमिलरली डू इट योर सेल्फ वीडियोज ऑन यूट्यूब, you can know how to clean your cars from outside and from inside. तो इसमें इंटीरियर कैसे क्लीन करा जाए और आउटसाइड कैसे क्लीन करा जाए आप इसके अंदर सीख सकते हो, आप लोग खुद भी सीख सकते हो, आप लोग किसी मैकेनिक से भी सीख सकते हो और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इजीली सीख जाओगे। और इसमें करना क्या है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो इसमें लोग क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो लोग बहुत सारे लोग सिर्फ इसके अंदर मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि घर पे आके आपकी क्लीनिंग करके जाएंगे कार्स। तो इसके अंदर इधर दे प्रोवाइड ओनली एक्सटीरियर क्लीनिंग और सम पीपल ओनली प्रोवाइड इंटीरियर क्लीनिंग और सम पीपल प्रोवाइड बोथ ऑफ द सर्विसेज और देर आर सम पीपल हु ओनली डील इन क्लीनिंग द सीट्स लाइक शैम्पूइंग द सीट्स।
तो शैम्पू सीट्स करना, सीटों को शैम्पू करना, इंटीरियर को थोड़ा साफ करना, उसके भी एक अलग बिजनेस है और उसमें लोग $180 पर आवर $180 चार्ज करते हैं इस सर्विस को करने के लिए। यदि वो आपके पास आएंगे, आपकी कार को साफ करेंगे, आपकी सिर्फ कार को शैम्पू करेंगे, तो देर आर पीपल दोज हु आर आस्किंग $100 ओनली टू शैम्पू द सीट्स, वो बाकी चीज़ें के चार्जेस अलग हैं। तो वो करते क्या हैं, आप यदि वीडियोस भी डू इट योरसेल्फ पे जाके खुद भी वीडियो देखोगे, आपको खुद भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज़्यादा इतना टफ नहीं होता। लोगों के पास एक स्पेशल टाइप का वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम लेके जाते हैं, प्लस उनके पास कुछ लिक्विड्स होते हैं, लाइक I will not say कि वो नॉर्मल डिटर्जेंट्स होते हैं। यू कैन सर्च इट आउट, यू कैन लर्न इट द बेस्ट पॉसिबल वे कि कैसे सीट क्लीन करी जाती हैं। अदरवाइज आप खुद भी करना चाहो तो इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट टेक क्लीनिंग डिटर्जेंट और समथिंग एंड यू कैन पुश प्रेस इट ऑन योर सीट्स एंड देन यूज द वैक्यूम क्लीनर एंड इट विल क्लीन योर कार सीट्स। यदि आप कार सीट्स को क्लीन करना चाहते हो, यदि मैं उसको क्लीन करना चाहते हो, तो आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो और ये वाला बिजनेस भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें आपको सिर्फ आपके पास खुद की इक्विपमेंट्स होने चाहिए यदि आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, और बहुत ही अच्छा बिजनेस आप इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो कार क्लीनिंग का। और ये कोई इसके अंदर आपको स्किल सेट स्पेशल स्किल सेट्स नहीं चाहिए, ये बहुत ही इजी बिजनेस है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा पैसा है इसके अंदर, और 24 आवर्स और लाइक 12 मंथ्स ये बिजनेस चलता है। तो आपके ऊपर है, आप कितना काम करना चाहते हो और कितना आप इसमें कमाना चाहते हो। इवन आप लोग ये बिजनेस सिर्फ अपने वीकेंड्स के अंदर जब आप फ्री हो, जब आपका नॉर्मल फुल टाइम जॉब से एक्स्ट्रा आप ये ट्राई करना चाहते हो, तो भी आप ये कर सकते हो। आप लोगों को अपने कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट देना होगा कि आप इस पर्टिकुलर डे में आप ये सर्विस उनकी प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे और आप उस दिन उनको ये अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस यू सपोज टू ट्राई। तो सेकेंड बिजनेस आइडिया रिलेटेड टू कार इंडस्ट्री इज एसेसरीज। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि हम लोग इंडिया में भी हम लोग अपनी कार खरीदते हैं तो उसमें हम अपनी एसेसरीज लगवाते हैं, लाइक कोई स्टीरियो सिस्टम अपग्रेड कराते हैं, या फिर हम लोग कोई सीट्स चेंज कराते हैं, या फिर कोई लाइटिंग लगाते हैं, हेलोजन लाइटिंग लगाते हैं, या फिर विंडो को टिंट कराते हैं, या फिर कोई बैकअप कैमरा लगवाते हैं। यदि हमारे पास कार का मॉडल पुराना है और हमारे पास कार में बैकअप कैमरा नहीं है तो हम लोग उसमें बैकअप कैमरा भी लगवाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग इन सिर्फ ओनली दे आर डीलिंग इन एसेसरीज। तो आप भी ये काम कर सकते हो यदि आप लोग सिर्फ देर आर पीपल दे ओनली डू लाइक टिंटिंग द विंडोज। तो टिंटिंग द विंडोज लाइक दे जस्ट पुट द फिल्म ऑन द विंडोज उस आपके वो विंडो को काला करने के लिए, उसके लिए $150 चार्ज करते हैं विंडो को सिर्फ टिंट करने के। तो आप सिर्फ विंडो टिंट करना ही सीख लीजिए तो आप सिर्फ ही सिर्फ आप एक अपना यही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कि मैं सिर्फ विंडो टिंट करता हूँ, यदि आपको सर्विस मेरे से चाहिए तो मैं आपकी कार की विंडोज टिंट करके दूंगा, और पीपल आर आस्किंग $150 फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसी कुछ, यदि आप ये सब जो मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ ये आप लोग पार्ट टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो। यदि आप कोई फुल टाइम अपनी कोई फुल टाइम कोई आप जॉब कर रहे हो उसके साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, और आपको बहुत अच्छा लगे तो आप ऐसे 2-4 बिजनेस को ज्वाइन करके, आइडिया को ज्वाइन करके आप लोग अपना फुल टाइम इस बिजनेस को, आइडिया को यूज बना सकते हो फुल टाइम के लिए। और आप जरूर आप देखना कि आप ये बिजनेसेस बहुत रियली इट्स वेरी गोना वर्क, और पीपल इसके लिए पैसे देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है जाके बिजनेस मतलब किसी के पास जाना और अपनी चीजें करवाना, लाइक टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो लोग प्रेफर करते हैं। आजकल ये बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है कि मोबाइल सर्विसेज आप उनके घर पे जाओ और उनकी सर्विस उनको प्रोवाइड करो सर्विसेज, और पीपल जल्दी एग्री भी हो जाते हैं क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं पड़ता एंड दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो ये आप बिजनेस ट्राई जरूर करना। और इसमें मैंने एसेसरीज के अंदर मैं आपको और थोड़ा मैं फर्दर और डिटेल में बताना चाहूंगा कि ऐसे ही लोग जैसे टेंटेड विंडोज का काम है, सिमिलरली यदि आपको टेल लाइट टिंटेड करानी है, उनके कलर कराना है या कुछ कराना है, तो उसके लिए भी लोग एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं, इवन लाइक $80 पर आवर और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही एसेसरीज के अंदर लेट्स से कि आपके कोई पुरानी कार है, यहाँ पे बहुत सारी कार सस्ती मिल जाती हैं, तो पुराने पुराने मॉडल्स की कार्स मिल जाती हैं जिनके अंदर पुराना स्टीरियो सेट लगा होता है लाइक नॉब वाला, राइट? सो नाउ डेज पीपल आर यूजिंग लाइक टच स्क्रीन विद डिफरेंट लाइक न्यू फीचर्स एंड एप्पल केयर एंड ऑल दैट फीचर्स, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टीरियो सेट को अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए मैंने देखा है कि लोग $500 तक चार्ज करते हैं स्टीरियो सेट को चेंज करने का। तो इसमें रियली इट्स लॉट ऑफ मनी इन दिस।
और यदि आपको बैकअप कैमरा लगाना है, यदि आप बैकअप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, आप डू इट योरसेल्फ वीडियोस देखना यूट्यूब पे, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कैन इवन चेंज, यू इंस्टॉल द बैकअप कैमरा इन कार्स, इट्स वेरी इजी. तो यदि आपको बैकअप कैमरा इंस्टॉल करना आ जाए और आप लोग बैकअप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो किसी की कार में, पीपल आर आस्किंग लाइक $250 टू इंस्टॉल द बैकअप कैमरा इन कार्स. तो देख लीजिए, ये आप पार्ट टाइम में भी आप ये वाला काम करोगे, लाइक $250 में आप किसी को बैकअप कैमरा इंस्टॉल करके दे रहे हो, ऐसे 5-6 आपने बिजनेस आपको कस्टमर्स मिल गए, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो. और लेट्स से कि आप लोग स्टूडेंट हो और कनाडा में आए हो और ऐसा कोई स्मॉल बिजनेस साथ में स्टार्ट करते हो, तो आपके साथ के जो दोस्त हैं, जो लोग कार्स खरीदेंगे, मोस्ट ऑफ द देम दे विल बाय द यूज्ड कार और उसके अंदर बैकअप कैमरा नहीं. वो लोग आपसे ये सर्विसेज प्रोवाइड, आप लोग यदि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपसे ये यूज कर सकते हैं यदि आप लोग को आता है तो. क्योंकि आप लोग इनिशियली, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग अपना प्राइस लो रखना मार्केट से, जिससे कि लोग आपकी सर्विसेज बाय करने के लिए रेडी हों और आपको ट्राई करें. और जब आपका आपकी सर्विसेज लोगों को अच्छी लगने लगेगी, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द माउथ टू माउथ मार्केटिंग, पीपल विल स्टार्ट डूइंग योर ओन मार्केटिंग, लाइक दे विल go and tell every like other people's, I did this thing from this particular guy and he did a really very amazing job. तो ऐसे करके आपकी marketing होनी start हो जाएगी और आप धीरे धीरे इसमें आप successful हो जाओगे. So जो पहले number पे है business idea related to car industries, वो बहुत ही बढ़िया है, वो है auto body works. जी हाँ दोस्तों, auto body works में बहुत ही ज़्यादा पैसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता. इसी पे हमने experiment किया था actually. हमने क्या किया, हमने एक कार पे, जो ये आप देख सकते हो कि डेंट हो रखा है, तो हमने पूछा कि हमको ये डेंट रिपेयर कराना था कार के लिए, तो हमने बहुत सारे लोगों को कोटेशन भेजी, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसके लिए डिफरेंट रेट की कोटेशंस दे रहे हैं, लाइक कोई $1200 चार्ज करना चाहता है, कोई $800, कोई $900, कोई $700, इवन लाइक देर इज नो रेंज, पीपल हैव देयर ओन लाइक चार्जेस. तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का कोई भी डेंट है, ये नॉर्मल डेंट है, राइट? इंडिया में ऐसे नॉर्मल डेंट कार्स पे लगते रहते हैं और इट्स वेरी लाइक डे टू डे लाइफ के नॉर्मल टाइप के डेंट्स इंडिया में, बिकॉज क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है, कहीं पे भी छोटे मोटे डेंट्स लग जाते हैं. बट आप देख सकते हो कि ऐसे स्मॉल डेंट्स के लिए दे आर आस्किंग लाइक $1000 टू रिपेयर. और यदि आपके पास इंडिया में ऐसा कुछ भी डेंट ऐसा हुआ हो तो लाइक ₹2000 या ₹5000 मैक्सिमम के अंदर ऐसी चीजें रिपेयर हो जाती हैं कम्प्लीटली, राइट? सो आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत ही लुक्रेटिव मनी है. यदि आपको, आप लोग कोई भी कार के डेंट निकाल सकते हो या फिर आप उसको डेंट निकाल के स्क्रैचेस को रिमूव करके उसको प्राइमर मार के पेंट कर सकते हो, देन इट्स अ रियली वेरी गुड जॉब. आप यूट्यूब पे वीडियोज देखना डू इट योरसेल्फ की. Why I am emphasizing on do it yourself videos, because ऐसी बहुत सारी good videos हैं YouTube के अंदर जो आप लोग देखोगे आपको खुद लगेगा कि it's not very complicated job. यदि आप इसमें थोड़ा सा भी try करोगे, ये कोई आपको इसमें कोई आपको special skill sets नहीं चाहिए, आप लोग बहुत ही जल्दी सीख जाओगे. यदि आप सिर्फ denting और painting का काम भी आजाद कर सकते हो car का, तो आप इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा. आप देख सकते हो यदि एक कार भी आपके पास आई ऐसे टाइप के डेंट की, तो आप $1000 चार्ज कर रहे हो. तो यू कैन इमेजिन इन वन मंथ यदि आपका 4 या 5 कार भी ऐसे रिपेयर होने आई, तो आप $5,000 to $10,000 आप इजीली कमा सकते हो, राइट गाइस? तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस बिजनेस के अंदर कितना आइडिया है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि ये जो मैंने 5 आइडियाज जो मैंने आपको बताए हैं कि आप लोगों को कैसे लगे, और आप कौन सा इन 5 में से आप लोग कौन सा ट्राई करना चाहते हो और किसको अपना फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस बनाना चाहते हो. तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसी आपके पास और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास मैं पहुंचाता रहूंगा, और मैं आपके पास और ऐसे नए से नए बिजनेसेस भी आपको बताऊंगा. तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर गाइस.